First of all, good morning to everyone. And today we are going to learn the lecture number 3 and page number 5 of the book. तो आप एक काम करेंगे, अपनी बुक का जो पेज नंबर 5 है वो आप ओपन कर लेंगे और आज के लेक्चर में हम इस टेबल को पढ़ने वाले हैं. ये जो टेबल है, इस टेबल को हम स्टडी करेंगे. तो आप इस टेबल को पेज नंबर 5 पे ओपन कर लें, आपकी बुक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन शाइनी सोड 2020 के अंदर. उसके बाद हमने पिछले दो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उन पर्सनल प्रोनाउन में आई वी यू यू दे ही शी इट, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह से फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं, सेकंड पर्सन कौन से होते हैं, थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर मोमेंट ऑफ टाइम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट पर्सन. जैसे कि पर्सन हमने कल भी पढ़े थे और आज भी एक बार रिपीट हो जाएंगे, उसके बाद आगे की टेबल में आपको बताया जाएगा. तो देखिए यहाँ पे ये जो पर्सन होते हैं हमारे पास, तीन तरह के होते हैं. एक तो फर्स्ट पर्सन होता है, एक सेकंड पर्सन होता है और एक थर्ड पर्सन होता है. अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, कल भी बताया आपको, आई और वी आते हैं. सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड, बाकी जो बचे वो सब आपके थर्ड पर्सन में. ये आपके हो गए फर्स्ट पर्सन, ये आपके हो गए सेकंड पर्सन और ये आपके हो गए थर्ड पर्सन. इसके बारे में हमने कल भी डिस्कस कर लिया था, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले हैं. एक बार फिर से बताना चाहूँगा, फर्स्ट पर्सन बोलने वाला होता है, आई और वी, मैं और हम. सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है, यू, तू या तुम. और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही होती है, ही, शी, इट और दे. इस तरह से आपको इसको टेबल को लर्न करना है. उसके बाद इनकी जो आप देखेंगे कि आई, पहले तो इसको लर्न करना है आपको, ये इस वाली लाइन को नॉमिनेटिव केस कहते हैं और इन्हीं का अक्यूजेटिव, अक्यूजेटिव मतलब ऑब्जेक्टिव, इनका ऑब्जेक्ट बन जाता है. जैसे आई मतलब मैं, तो मी मतलब मुझे, वी मीन्स हम, अस हमें, यू तू, यू तुझे, यू तुम है, ही वह, हीम उसे मतलब लड़के को, शी वह, हर उसे मतलब लड़की को, इट वह कोई भी जानवर, कुत्ता, निर्जीव, और इट उसे, यानी इट का सेम ही रहेगा, दे यानी वे और देम यानी उन्हें. तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी, उसके बाद ही आगे जाना है. तो कौन कौन से केस होते हैं एक बार फिर मैं आपको बताना चाहूँगा. एक तो आपका नॉमिनेटिव होता है, एक अक्यूजेटिव होता है, एक पजेसिव होता है. अब पजेसिव मतलब षष्ठी विभक्ति जिसको हम बोलते हैं. नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव और अक्यूजेटिव यानी कि ऑब्जेक्टिव. आप देखना है, सब्जेक्ट होते हैं नॉमिनेटिव में और ऑब्जेक्ट होते हैं अक्यूजेटिव में. फिर तीसरी जो विभक्ति होती है, तीसरा यानी कि षष्ठी विभक्ति, तीसरी रो के अंदर हम आते हैं. फिर माय, मेरा, माइन, मेरा, अवर, अवर्स, हमारा, हमारी, हमारे, यूअर, यूअर्स, तेरा, तेरी, तेरे, यूअर, यूअर्स, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, हीज, उसका यानी कि लड़के का, हर, उसका यानी लड़की का, और इट्स यानी उसका, किसी कुत्ते का, जानवर, निर्जीव वस्तु का. फिर एक और रो होती है जिसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, जिसे माई से बना, इन सब में पजेसिव में सेल्फ और सेल्फ से एड कर देना और कुछ नहीं करना है. तो देखिए क्या है ये. फिर आपको यहाँ क्या करना है, ये जैसे माई है तो माई में सेल्फ जोड़ देना, अवर है तो अवर सेल्फ होगा क्योंकि प्लूरल है, यूअर है तो यूअर सेल्फ सिंगुलर वाला, यूअर, यूअर सेल्व्स, यहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है, आप लगा दीजिएगा. फिर हीज, अब यहाँ पे हिम सेल्फ होगा, इधर हिम लेना और हिम सेल्फ, इसी तरह से हर सेल्फ और इट सेल्फ.
तो ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे आपको क्या लेना है. इज दैट क्लियर? चलिए तो अब हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे. आप इस पूरी बुक को, जो इस पेज को है, केवल इसी का लेक्चर है, तो आप इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे. आई मी माई माई सेल्फ कैसे ले रहा हूँ मैं, आप देखिए. आई मी माई माई सेल्फ, वी अस आवर आवर सेल्व्स, यू यू यूअर यूअर सेल्फ, यू यू यूअर यूअर सेल्व्स, ही हेम हैज हेम सेल्फ, शी हर 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 सेल्फ, इट इट इट्स इट सेल्फ, दे देम देयर देम सेल्व्स. अब एक बार आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, एक बार फिर से देखो आप कैसे इसको लर्न करेंगे, कैसे प्रैक्टिस करोगे, मैं बता देता हूँ आपको. ऐसे प्रैक्टिस करेंगे. आई मी माई माई सेल्फ, वी अस आवर आवर सेल्व्स, यू यू यूअर यूअर सेल्फ, यू यू यूअर यूअर सेल्व्स, हे हेम हेज हेम सेल्फ, शी हर 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 सेल्फ, इट 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 सेल्फ. अब दो बार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप ट्रांसलेशन मेथड से इसको लर्न करेंगे, यानी कि हिंदी भी साथ में साथ लर्न करेंगे. आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद, वी अस आवर आवर सेल्फ, हम हमें हमारा हम खुद, यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तू तुझे तेरा तो खुद, यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तुम तुम्हें तुम्हारा तुम खुद. फिर आप चाहें तो इस दे को ले लेना, दे देम देयर देम सेल्फ, वे उन्हें उनका वह खुद, ही हेम हीज हेम सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद, शी हर 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 सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद, इट 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 सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद. तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस टेबल को बार बार बोल बोल के और परमानेंटली लाइफ लॉन्ग के लिए आपको इसको दिमाग में बिठाना है. कैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ आ गया? या तो आप दे को पहले भी ले सकते हैं, दे को बाद में भी ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, जैसे आपको जिस तरह से लर्न हो जाए. लेकिन किसी भी तरह से ये टेबल आपके दिमाग में एनी हाउ लर्न होनी चाहिए. तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे इसको, आज के लेक्चर में इतना ही है कि आप इसको कैसे प्रैक्टिस करेंगे. आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद, वी अस आवर आवर सेल्फ, हम हमें हमारा हम खुद, यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तू तुझे तेरा तो खुद, यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तुम तुम्हें तुम्हारा तुम खुद. इसको चाहे आप ही को पहले भी लेके ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. ही हिम हिज हिम सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद, शी हर 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 सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद, इट इट इट्स इट सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद, दे देम देयर देम सेल्फ, वे उन्हें उनका वह खुद. इस तरह से आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है. अब जब ये अंदर का पूरा कंटेंट आपको लर्न हो जाए, फिर आपको ये बाहर की कंटेंट लर्न करने हैं. बाहर की कैसे? नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पोजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पॉजिटिव रिफ्लेक्सिव. इस तरह से बार बार इसको प्रैक्टिस करना है. तो केवल इसमें इतना ही काम करना है. आज का आपका टास्क ये है, आपका वर्क ये है, इस लेक्चर के अंदर आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे. स्टार्टिंग से आप सुन लीजिए, इसकी प्रैक्टिस ऐसे करनी है. आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद, We us our ourselves, हम हमें हमारा हम खुद, You you your yourself, तू तुझे तेरा तो खुद, You you your yourselves, तुम तुम्हें तुम्हारा तुम खुद, He him his himself, वह उसे उसका वह खुद, She her her herself, वह उसे उसका वह खुद, It it it's itself, वह उसे उसका वह खुद, दे देम देयर देम सेल्फ, वे उन्हें उनका वह खुद. फिर आपको ये जब पूरा कंटेंट, ये अंदर का कंटेंट लर्न हो जाए, फिर इसको लर्न करना है. नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव,
नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, इसकी हिंदी आप लर्न नहीं करें तो भी चलेगा। नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव रिफ्लेक्सिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव। इस तरह से बार बार प्रैक्टिस करके और आज के दिन में केवल आपको टेबल को इतनी अच्छे से लर्न करनी है कि बिना इनके इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस की कल्पना नहीं की जा सकती है। विदाउट दीज ऑल वी आर नॉट एबल टू मेक एनी सिंगल सेंटेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न ऑल द टेबल केयरफुली एंड फॉर परमानेंटली नॉट टेम्प्ररी। यू हैव टू लर्न दीज ऑल वर्ड्स इन द टेबल परमानेंटली, लाइफ लॉन्ग के लिए आपको इसको लर्न करना है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, आप मेरे साथ दोहराइए इसको, कैसे आप लर्न करेंगे मेरे साथ दोहराइए आप। चलिए इसको थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको देखने में भी थोड़ी आसानी रहेगी। तो आप मेरे साथ बोलेंगे इसको कैसे प्रैक्टिस करोगे आप। चलिए स्टार्ट हो जाइए कि इसकी हम किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद। We us our ourself, हम हमें हमारा हम खुद। You you your yourself, तू तुझे तेरा तू खुद। You you your yourselves, तुम तुम्हें तुम्हारा तुम खुद। He him his himself, वह उसे उसका वह खुद। She her her herself, वह उसे उसका वह खुद। It it its itself, वह उसे उसका वह खुद। दे दैम देयर देमसेल्स, वे उन्हें उनका वह खुद। अब ये पूरी ये सारे वर्ड्स एक बार लर्न हो जाए फिर आप इसको बोलेंगे। नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, यानी कि आपको क्या बोलना है, जब ये सारे वर्ड लर्न हो जाए तो केवल आपको इनको बोलना है बार बार। नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव। यानी कि आपको ये सारे इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि बार बार फिर इसको पूछने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सर आई मतलब मैं होता है, मी मतलब मुझे होता है, माई मेरा होता है, माई सेल्फ मैं खुद होता है। यानी कि ये इतनी कैटेगरी हैं आई की, आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद। वी अस अवर अवर सेल्फ, हम हमें हमारा हम खुद। यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तू तुझे तेरा तू खुद। यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तुम तुम्हें तुम्हारा तुम खुद। ही हेम हेज हिमसेल्फ, वह उसे उसका वह खुद। शी हर 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 सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद। इट इट इट्स इटसेल्फ, वह उसे उसका वह खुद। दे देम देयर देमसेल्फ्स, वे उन्हें उनका वह खुद। यानी कि इतना लर्न हो जाना चाहिए आपको कि रात को 12 बजे भी आपको कोई उठा के नींद में पूछे तो आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में आपको इतना ही करना है कि ये पूरी टेबल को इम्बाइब इन माइंड प्रॉपरली बाय हार्ट, यानी कि इतना कंठस्थ कर लो कि आपको आगे जो इंग्लिश लर्निंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। इतनी सारी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है और बार बार प्रैक्टिस करनी है। आप भी बोलिए, फिर एक बार देख के बोलिए, फिर बिना देख के बोलिए। एक बार देख के पहले आप इतना योग्य बन जाइए उसमें कि हम बिना देख के बोल सकें, फिर आप बिना देख के बोलिए। हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन मेथड यूज़ करें, एक बार हिंदी बोलें, एक बार फर्स्ट इंग्लिश बोले फिर उसकी हिंदी बोले। इनकी ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश टू हिंदी भी कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जैसा सूटेबल हो वैसे इसको लर्न कीजिए। अगर आपको ऐसे लर्न हो रहा है मैं मुझे मेरा मैं खुद, आई मी माई माई सेल्फ, या आपको ऐसे लर्न हो रहा है आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद, यानी कि आप हिंदी टू इंग्लिश भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और इंग्लिश टू हिंदी भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। कैसे भी करके इसको लर्न कीजिए, लेकिन कंप्लीट होनी चाहिए। आज के लेक्चर में यही आपको करना है, लेक्चर नंबर 3 के अंदर। बुक में पेज नंबर 5 में जो 50% पेज हैं उसमें जो टेबल हैं उसमें नॉमिनेटिव
अक्यूजेटिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव, यानी कि चारों कॉलम आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद। अब इसको फिर आपको लर्न हो जाए, फिर इसको आप स्पीड में बोलिए। कैसे बोलेंगे? आई मी माई माई सेल्फ, आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद। वी अस अवर अवर सेल्फ, हम हमें हमारा हम खुद। तू तुझे तेरा तू खुद, या फिर यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तू तुझे तेरा तू खुद। इस तरह से आपको क्या करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो लास्ट में मैं बताता हूँ स्पीड में इसको बोल के एक बार, आपको वैसे ही इसमें प्रैक्टिस करनी है। ओके, सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। आई मी माई माई सेल्फ, मैं मुझे मेरा मैं खुद। वी अस अवर अवर सेल्फ, हम हमें हमारा हम खुद। तू यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तू तुझे तेरा तू खुद। यू यू यूअर यूअर सेल्फ, तुम तुम्हें तुम्हारा तुम खुद। ही हिम हिज हिम सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद। शी हर 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 सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद। इट इट इट्स इट सेल्फ, वह उसे उसका वह खुद। दे देम देयर देम सेल्फ, वे उन्हें उनका वह खुद। नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव, नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव पजेसिव रिफ्लेक्सिव। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसको हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग टू एरोडाइट स्कूल ऑफ लर्निंग। फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो ये नंबर है, आप इस पर व्हाट्सएप ऑडियो कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट लेक्चर।